अब बात कर लेते हैं इसके इंस्टॉलमेंट प्लान की, जो GD110S है उस। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं MotorTrend.PK। आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ, सुजुकी GD110 की अपडेट लेकर आया हूँ, जिसके अंदर मैं आपको इसके जो इंस्टॉलमेंट प्लान है उसके बारे में बताऊँगा और इसकी प्राइस के बारे में बात करेंगे और इसकी स्पेक के बारे में बात करेंगे। तो लास्ट टाइम जो इसके फ्यूल टैंक के ग्राफिक्स हैं वो 2022 के अंदर चेंज हुए थे, तो अभी आप देख सकते हैं यही इसका जो फ्यूल टैंक के ग्राफिक्स चल रहा है और कंपनी ने इसको चेंज नहीं किया। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आपको इसमें कौन कौन से कलर्स मिल जाते हैं। इसमें आपको रेड कलर मिल जाता है, ब्लैक कलर मिल जाता है, ब्लू कलर मिल जाता है और ग्रे कलर मिल जाता है। तो यहाँ पे इसके जो फ्यूल टैंक आप देख सकते हैं, इसका जो फ्यूल टैंक है वो 11 टू 12 लीटर्स तक पेट्रोल रखने की सलाहियत रखता है। साइड पे आपको खूबसूरत से साइड कवर्स मिल जाते हैं और इसके ऊपर ग्राफिक्स मिल जाते हैं। और अब बात कर लेते हैं जी इसके इंजन की। यहाँ पे आपको सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैम इंजन मिल जाता है, जिसमें आपको 4 ट्रांसमिशन गियर्स मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर इसके सिलेंडर की बात करें तो यहाँ पे आपको 113 सेंटीमीटर क्यूब की डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है और ये बाइक 8500 RPM पे 8 न्यूटन मीटर टॉर्क की हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पे आपको बटरफ्लाई कार्बोरेटर मिल जाता है। ये आप इसका स्पीडोमीटर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको टॉप स्पीड 120 मिल रही है, लेकिन ये जो बाइक है ये 100 किलोमीटर की रफ्तार से ये बाइक जो है वो भागती है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिफरेंट जो है वो मोड्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको इग्निशन की ऑप्शन मिल जाता है, यहीं से आप इसको लॉक करते हैं और अनलॉक करते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसकी असम्बली की। असम्बली पे यहाँ पे आपको किल स्विच देखने को मिल जाता है, यहाँ पे लाइट ऑन ऑफ पार्किंग ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद आप बात कर लेते हैं इसकी लेफ़्ट साइड की जो असम्बली है उसकी। यहाँ पे आपको ये येलो कलर का बटन दिख रहा होगा, ये डिपर का ऑप्शन है। उसके अलावा यहाँ पे आपको चौक मिल जाती है, यहाँ पे आपको हाई एंड लो का ऑप्शन मिल जाता है। उसके अलावा इंडिकेटर लेफ्ट राइट और हॉर्न का बटन देखने को मिल जाता है। अगर इस बाइक की असम्बली की बात करें तो बहुत ही अच्छी असम्बली है। अगर इसको कंपेयर किया जाए होंडा की बाइक्स के साथ, तो इसकी असम्बली को मैं जो है वो ये पॉइंट्स दूंगा कि इसकी असम्बली ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद इसकी हैंडलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और ये बाइक जो है ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक है। तो हम लोग इसकी बात कर रहे थे इसके इंजन की। यहाँ पे आपको कार्बोरेटर जो है इसका बटरफ्लाई कार्बोरेटर मिल जाता है और इस बाइक की जो एवरेज है 1 लीटर के अंदर 45 to 50 किलोमीटर की जो एवरेज ये फ्राहम करती है। और उसके अलावा ये बाइक जो है 8500 RPM पे आपको 8 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करती है। आपको एक अदद हॉर्न मिल जाता है और बाइक की जो आप फिनिशिंग चेक कर सकते हैं, कलर की बहुत ही अच्छी है। और अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये आपको इंस्टॉलमेंट प्लान पे भी मिल रहा है और इसकी प्राइस के बारे में बात करेंगे। तो फ्रंट पे आपको यहाँ पे अलॉय रिम मिल जाते हैं, लेदर का टायर यूज़ किया गया है। टायर की मैं आपको डिमेंशन बता देता हूँ, 2.50x17 का यहाँ पर टायर यूज़ किया गया है और ये आप देख सकते हैं इसके अलॉय रिम्स। फ्रंट पे आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाते हैं और इसकी सस्पेंशन की अगर बात करें बहुत ही अच्छी सस्पेंशन है। उसके बाद आ जाते हैं इसकी वायरिंग की तरफ। तो इस बाइक की मुझे वायरिंग एक तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि सब बाइक से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे पाइपिंग आपको मिल जाती है जिसमें इसकी तमाम वायरिंग इसके अंदर से होती हुई और सीट के नीचे से और ये फ्यूल टैंक के नीचे से होती हुई जा रही है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं इसके रियर टायर की। यहाँ पे आपको 2.75x17 का टायर मिल जाता है अलॉय रिम के साथ और ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक शॉक्स मिल जाते हैं, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट कर सकते हैं। और ये इसका है एग्जॉस्ट और मैट ब्लैक कलर के अंदर आपको यहाँ पे इसका साइलेंसर मिल जाता है। बाकी यहाँ पे इसके अंदर आपको 4 कलर मिल जाते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ब्लू कलर है, ग्रे कलर है, उसके बाद रेड कलर है और ये ब्लैक कलर है। तो अभी हम लोग इसकी इंस्टॉलमेंट प्लान है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जी अब बात कर लेते हैं इसके इंस्टॉलमेंट प्लान की। जो GD110S है उसकी जो प्राइस है वो 3,52,000 है, आपको कैश पे 3,52,000 में मिलेगी। और अगर आप लोग इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहते हैं तो तब भी आपको ये बाइक जो है 3,52,000 में ही मिल रही है। 8.25% एडवांस जो है आपने इनको पे करना है, जिसके अंदर इन्होंने 3 तरह के जो उनसे प्लान मुतारिफ करवाए हैं, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स और 24 मंथ्स। अच्छा, उसके अंदर ये है कि सबसे पहले आपने इनको रजिस्ट्रेशन फ़ीस, फाइल फ़ीस और इंश्योरेंस फ़ीस
तो टोटल जो बनेगा 24 मंथ्स का 1,34,150 रुपीज़ आप लोगों ने इनको पे करने हैं और आपको ये बाइक मिल जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं दूसरे प्लान पर 18 मंथ्स वाला, जिसके अंदर आपने इनको टोटल जो एडवांस जो है वो 1,28,150 रुपीज़ पे करने हैं और आपको जो बाइक है वो मिल जाएगा। और थर्ड पे 12 मंथ्स जो है उसमें आपने इनको 1,22,150 रुपीज़ पे करने हैं और आप लोगों को बाइक मिल जाएगा। तो तीनों प्लान की मैं आपको जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो भी बता देता हूँ। तो 12 मंथ्स की जो आप अगर इंस्टॉलमेंट पे बाइक को लेते हैं तो मंथली इंस्टॉलमेंट जो बनेगी वो है 22,000, और अगर आप लोग 18 मंथ्स इंस्टॉलमेंट प्लान पर लेते हैं तो इसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो बनेगी 14,700, और 24 मंथ्स वाला अगर आप प्लान लेते हैं तो उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी 11,000, और लास्ट पे आप लोगों को जो उसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी वो पे करनी होगी, वो बनेगी 14,100। इस तरह से ये 3,52,000 पूरे हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये था इनका इंस्टॉलमेंट प्लान GD110S का। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ बाकी के भी जो है वो इंस्टॉलमेंट प्लान जो है शेयर करूंगा। वैसे मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं GS150 और GSX जो है 125 और GR150। ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बाइक के बारे में बताया, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, इसकी स्पेक के बारे में बता दिया, और मेन जो चीज़ थी वो इंस्टॉलमेंट प्लान था। तो आप लोगों को पता लग गया होगा इंस्टॉलमेंट प्लान है। तो इंशाल्लाह इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तो यहाँ पर करते हैं वीडियो ख़त्म, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मैं भाई को दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।